ऑटोमोबाइल्स कंपनियों और कस्टमर्स के लिए नेक्स्ट वीक से मिड मई तक होने वाला है काफी शानदार क्योंकि मार्केट में लॉन्च होने जा रही हैं कुछ नई शानदार कारें और इसमें शामिल है एम की ऑल न्यू फोर सीटर छोटी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ओवर की सी थ्री कॉम्पैक्ट एसयूवी और मारुति सुजुकी की ऑफ है जिमनी तो टाटा एल्टो सी और टाटा पंच सी के अलावा होंडा की एक्सट्रो भी इसके अलावा हाल फिलहाल में आने वाली कुछ टॉप मोस्ट पॉपुलर गाड़ियों के फेस लिफ्ट वर्जन आने वाले हैं जिसमें शामिल है मारुति से लेकर टाटा मोटर्स हुडई और टोयोटा की कुछ ऐसी गाड़ियां जिनके फेस लिफ्ट वर्जन जल्द ही मार्केट में आने वाले हैं और अगर आप भी न्यू कार परचेज करने जा रहे हैं तो आप इनका इंतजार कर सकते हैं और सबसे पहले यानी कि 27 अप्रैल को जहां पर लॉन्च होगी मिड साइज की एस यू बी सिचॉन सी थ्री एयरक्रॉस 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज ऑप्शंस के साथ में 110 bhp की पावर 190 Nm के टॉर्क के साथ तो सेकंड है MG की कॉमेट भी जो कि एक स्मॉल सेगमेंट की इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है और इस गाड़ी का सीधा-सीधा टक्कर मार्केट में टियागो EV से होने वाला है फीचर्स वाइज वैसे ये गाड़ी काफी रिच होगी क्योंकि इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अलावा काफी अन्य शानदार फीचर्स भी होंगे जिसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जल्द ही आपके लिए चैनल पर शेयर की जाएगी नेक्स्ट है मारुति सुजुकी गाड़ी होने वाली है पेट्रोल ऑप्शन और वन लीटर के टर्वो पेट्रोल इंजन के साथ में पेश किया जाएगा और ये मारुति के नेक्सा डीलरशिप पर अवेलेबल होगी नेक्स्ट होगी मारुति सुजुकी जिमनी जो कि मारुति सुजुकी की एक लाइफ स्टाइल ऑफ रोडर एस है और 1.5 लीटर के फोर सिलेंडर के फिफ्टीन बी पेट्रोल इंजन के साथ में अवेलेबल होगी जिसमें कि पेड किया गया है फाइव स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन फोर स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और खास तौर से इसे सुजुकी के ऑल ग्रिप प्रो फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में पेश किया जा रहा है और ये भी मारुति के नेक्सा डीलरशिप पर अवेलेबल होगी नेक्स्ट है टाटा मोटर्स की एल्ट्रो सी जो कि टू सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाली फर्स्ट गाड़ी होने वाली है फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में और जो सीधे सीधे मारुति सुजुकी बलेनो और टोयटा ग्लेंजा को कम्पटीट करने वाली है और इसके बाद में है ऑल न्यू होंडाई मोटर्स की स्मॉल सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी जो मार्केट में टाटा पंच को कम्पटीट करेगी और ये है होंडाई मोटर की एक्स्ट्रा और ये सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर कि ग्रैंड आई और ओरा को डेवलप किया गया है और हुडाई एक्स्ट्रल के फीचर्स की बात करें तो इसमें है 1.2 लीटर का नेचुरली एक्सपेटेड पेट्रोल इंजन इसके अलावा 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और मारुति सुजुखी की तरफ से अपडेट है कि मारुति इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में खुद को बेहतर बनाने के लिए बड़ी तैयारी करने में जुट गई है और जल्द ही इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है और बाकी कंपनियों की तरह ही मारुति भी अपनी कुछ पॉपुलर गाड़ियों को भी अब इलेक्ट्रिक अवतार में लाने का मन बना चुकी है और सबसे बड़ी जो एक खास इंफॉर्मेशन यहाँ पर लीक हुई है उसके अनुसार मारुति की एक ऐसी गाड़ी जो एंट्री लेवल में काफी पसंद की जाती थी यानी कि मारुति ऑल्टो और जिसे हाल फिलहाल में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जल्द ही इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च होने वाली है तो नेचुरली इसका प्राइस भी काफी कंपेटेटिव होगा और पॉसिबल है कि मार्केट में यह सबसे कम प्राइस इलेक्ट्रिक रेंज में लॉन्च की जाए और जहां तक इसके माइलेज की बात है 300 किलोमीटर के आसपास इसका माइलेज होगा वैसे आप क्या सोचते हैं कि ऑल्टो इलेक्ट्रिक में आने पर मार्केट में उसी तरह अपना रुतबा बना पाएगी जैसे कि पेट्रोल और सीएनजी में इसकी जबरदस्त डिमांड रहती थी क्या सोचते हैं आप इस बारे में कमेंट्स में अवश्य लिखिए और मारुति को मार्केट में कम्पिटिट करने के लिए अपनी ऑल्टो को इलेक्ट्रिक में, में लॉन्च करना चाहिए और मार्केट में एसयूवी सेगमेंट में जहां पर टाटा मोटर्स ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं और कंपनी की टाटा नेक्सॉन वित्त वर्ष ट्वेंटी में सबसे ज्यादा बिकने वाली एस रही है और अब कंपनी आने वाले दिनों में देश में नेक्सॉन एस का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है हालांकि अभी इसमें कुछ टाइम है और टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को परीक्षण करते हुए देखा गया है जहां पर इसके डिजाइन में कुछ बदलाव होंगे तथा नए फीचर्स के साथ में नया इंटीरियर लुक भी मिलने वाला है और इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा इस साल की दूसरी तिमाही में यानी इसको जून मंथ के बाद में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आई है उसके अनुसार इसका इंटीरियर कंपनी की टाटा कर्व से मिलता जुलता है यानी काफी शानदार अपग्रेड होने वाला है और न्यू नेक्सोन में एलईडी डी के साथ में एलईडी स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप न्यू सिरे से डिजाइन की गई ग्रिल दी जाएंगी और व्हील्स न्यू तरह के होने वाले हैं पीछे की तरफ इसमें एलईडी लाइट बार और नए सिरे से रिडिजाइन किया गया बम्पर होगा और इसके अलावा फेस लिफ्ट वर्जन में ड्यूल टोन इंटीरियर भी होगा अंदर के कुछ सबसे बड़े चेंजेस में एक नया टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील एक बड़ा सनरूफ एक नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अलावा इसका डिस्प्ले आपको बिल्कुल हैरियर है और सफारी फेसलिफ्ट जैसा मिलने वाला है और टाटा मोटर्स इसमें नई फैसिलिटी के रूप में वेंटिलेटेड सीटें देने वाली है और जहां पर नई हैरियर हेरियर है सफारी एडास टेक्निक से लैस है टाटा मोटर्स नैक्सॉन फेस लिफ्ट के टॉप वेरिएंट में भी एडास के फीचर्स दे सकती है ऐसी स्थिति में नैक्सॉन अपने कॉम्पैक्ट एस सेगमेंट में एडास के साथ आने वाली फर्स्ट कार बन जाएगी और नई फेस में वन लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स मिलेंगे और इस इंजन से 125 ट्वेंटी की पावर 225 ट्वेंटी एनएम का टॉर्क मिलने वाला है और ऐसे में अगर आप खास तौर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो वेट कर सकते हैं ऑल न्यू फेस लिफ्टॉन का जिसमें आपको शानदार अपग्रेड के साथ में वर्ल्ड क्लास के नेक्स्ट लेवल फीचर्स भी मिलने वाले हैं और अब जानिए ऑटोमोबाइल वर्ड के टॉप मोस्ट लेटेस्ट अपडेट फर्स्ट है हॉंडा मोटर से मुकाबले के लिए हीरो मोटर्स ने एक बड़ा प्लान बनाया है और अपनी हंड्रेड सी सी की एक नई बाइक लाने वाली है और उन कस्टमर्स के लिए गुड न्यूज है जिन्होंने टोल्टा मोटर्स की इनोवा हाई क्रॉस को बुक किया है और जिसका वेटिंग पीरियड काफी चल रहा था और अब कंपनी ने अपनी थर्ड शिफ्ट चालू कर दी है जिसमें कि एक्स्ट्रा उत्पादन होने के कारण इसका वेटिंग टाइम काफी कम हो चुका है तो आपको जल्द ही अपनी गाड़ी की डिलीवरी मिल पाएगी और देश की मोस्ट पॉपुलर लग्जरी कार कंपनी बी ने शुरू कर दी है एक्स थ्री की बुकिंग और अगले महीने ये लॉन्च होने वाली है फोर पॉइंट में हंड्रेड किलोमीटर की रफ्तार गेन करने में सक्षम होगी ये पावरफुल लग्जरी गाड़ी और टीवीएस रिडार का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है इसके अलावा लेक्सस ने लेक्सस आर एक्स एस लॉन्च की है जिसमें कि न्यू जनरेशन की इस आर में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाले हैं और भी शानदार फीचर्स डिटेल्स रिव्यू जल्द ही आपके लिए चैनल पर आ रहा है और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी मार्केट में एक ऐसी एस अवेलेबल हो चुकी है जिसमें आप चाहे जितना सामान भर लीजिए ये रेंज देने वाली है 571 किलोमीटर की और महिंद्रा की ऑल न्यू इलेक्ट्रिक एस यू बी फोर हंड्रेड पर फिलहाल चल रहा है चार महीने तक का वेटिंग पीरियड तो अगर आप इसे परचेज करने जा रहे हैं तो देख सकते हैं महिंद्रा के अपने नियरेस्ट शोरूम पर और दोस्तों अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ड्स की हर इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले अपडेट और चाहते हैं अपनी सभी क्वेरी का 100 परसेंट सोलूशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी और अगर चाहते हैं अपनी सभी क्वेरी का लाइवली सोलूशन तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप चैनल के साथ एक्टिवली कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए अगर आप यूज करते हैं किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी और उसकी अपने ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस चैनल पर चाहते हैं सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना तो हम आपके पास विजिट करेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन चैनल पर लाइवली सभी के साथ शेयर की जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नमस्कार दोस्तों